नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मेहरा सत्यम सीरियल में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों और आप लोगों की फैमिली कैसी है? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे आप और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अनदेखा साया की कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनदेखा साया का दूसरा पार्ट। लेकिन इससे पहले आप लोगों से हमारा खास निवेदन है कि जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है उस पर क्लिक कर दें, यानी घंटे का निशान उसे दबा दें। उससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो का आनंद आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनदेखा साया। दोस्तों, हमने पिछला एपिसोड यहाँ छोड़ा था कि कमला और जयपाल के अवैध संबंध के बारे में उसकी पत्नी समीरा को पता चला तो उसने अपने पति जयपाल को समझाया, मगर जयपाल पर समीरा की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। दिन पे दिन उनकी नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और उनकी हरकतों से विजयपाल भी तंग आ चुका था। उसने अपनी पत्नी कमला को अंतिम चेतावनी दी कि कुछ दिन बीतते गए। एक दिन विजयपाल ने जयपाल और अपनी पत्नी को फिर से समझाया। उधर जयपाल की हरकतों से तंग आकर समीरा अपने मायके वापस चली गई। जयपाल और कमला का खेल ऐसे ही चलता रहा। एक दिन विजयपाल ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो कमला ने चालाकी दिखाई और कहा, स्वामी मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका भाई मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मुझे बहुत समय से तंग कर रहा है और मुझे धमकी भी दे रहा है। विजयपाल चुपचाप वहां से चला गया। रात को कमला विजयपाल के कक्ष में आई और कहा, स्वामी आपका भाई हमेशा मेरा शोषण करता आया है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, आप कुछ करिए ना स्वामी, नहीं तो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। कमला विजयपाल के कानों में बतियाती है। विजयपाल कमला की बातें सुनकर, नहीं कमला वो मेरा भाई है। कमला कहती है, कौन सा भाई? जो आपकी धर्मपत्नी का शोषण करता है वो किसी दिन हवस के चक्कर में आपको भी मार देगा। विजयपाल ने कमला की बात मान ली और अपने आदमी को भेजा, उससे एक जहरीला काला नाग मंगवाया और अगले दिन रात को दोनों पति पत्नी मिलकर जयपाल के कक्ष में गए और चुपके से तकिया उठाकर जयपाल के मुंह पर रखकर उसके मुंह को दबा दिया। तड़प तड़प कर जयपाल ने दम तोड़ दिया और फिर जहरीला नाग उन्होंने जयपाल के बिस्तर पर छोड़ दिया और उसे छेड़ भी दिया, जिससे कि नाग गुस्से में आकर मरे हुए जयपाल को डसने लगा और वो दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। दिन निकलते ही महल की दासी जयपाल को नींद से जगाने गई तो उसने नाग को जयपाल के बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा और चिल्ला पड़ी, छोटे कुंवर को नाग ने डस लिया, छोटे कुंवर को नाग ने डस लिया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। यह बात सुनकर समीरा भी भागी चली आई। उसने अपने पति के मृत शरीर को गौर से देखा और भाप लिया कि उसे नाग ने नहीं डसा बल्कि उसे मारा गया है। उससे रहा नहीं गया, उसने कमला को खरी खोटी सुनाई। कमला भी अड़ पड़ी और फिर जब जयपाल के मृत शरीर को दफनाने के लिए ले जाया गया तो समीरा ने पूरे राज्य के सामने सब राज खोल दिया और कहने लगी, विजयपाल और कमला
तुम दोनों ने मेरे पति को मारा है और मैं अपने पति की लाश को दफनाने नहीं दूंगी, बल्कि उसे मुखाग्नि दिलाऊंगी और साथ साथ मैं भी उसके साथ सती होने जा रही हूँ। यह सुनकर पूरा राज्य एकत्रित हो गया और समीरा जयपाल की चिता पर बैठ गई और चिता को मुखाग्नि दी गई। चिता को अग्नि पकड़ते ही समीरा ने कहा, कमला मैं एक पवित्र औरत थी और आज भी पवित्र हूँ। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 7 जन्मों तक ऐसे ही प्राय मर्दों के पास भटकती रहेगी। तेरा कोई वजूद नहीं होगा, हमेशा तुझे हवस की भूख रहेगी, तू हमेशा रोएगी। 7 जन्म तू वेश्याओं की तरह अपने शरीर को बेचती रहेगी। तू मौत की दुआ करेगी पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तू हर जन्म में ऐसी रहेगी और विजयपाल तू हर जन्म में ऐसा ही रहेगा। तुझे तेरी पत्नी यही मिलेगी, हर जन्म में तेरी पत्नी यही होगी और तुझे हर जन्म में ऐसे ही धोखा देगी ये, और तू ऐसे ही देखता रहेगा। तूने अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने हाथों से मारा है, तेरी यही सजा है। तू हर जन्म में अपनी पत्नी को प्राय मर्दों से संबंध बनाते हुए देखेगा। अपनी आंखों से देखेगा तू अपनी पत्नी को। ये एक सती और पवित्र औरत का श्राप है विजयपाल। विजयपाल रोता है, बिलखता है, मुझे क्षमा कर दो समीरा, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझे ऐसा श्राप मत दो, मुझे वो श्राप मत दो जो 7 जन्म तक मैं अपने भाई की हत्या को याद करके तड़पता रहूं और पछताता रहूं। मैंने कमला के चक्कर में आकर, इसकी खूबसूरती में आकर अपने भाई को मार डाला है, मुझे क्षमा कर दो समीरा, मुझे क्षमा कर दो। समीरा चिल्लाती है, विजयपाल अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, फिर भी तुझे रास्ता बताती हूँ। तू हर जन्म में अजर अमर बजरंग की पूजा करता रहेगा तो 7 जन्मों तक तेरी पूजा अमल रहेगी और 8वें जन्म में मैं तुमसे शादी करूंगी और इस कमला का विवाह मेरे पति के साथ होगा। फिर मैं और मेरा पति मिलकर संबंध बनाएंगे और तुम दोनों का वध करेंगे। और हाँ, चिता समाप्त होने के बाद ही ये शहर भी एक खंडर में बदल जाएगा। इसी के साथ चिता भस्म हो जाती है।